नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने देश के अमीरों की तुलना सड़े हुए आलू की बोरी से की है। दरअसल गोवा के पणजी में चल रहे भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गुरुवार को समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में देश में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी पर चिंता जाहिर की, साथ ही देश के अमीरों की तुलना सड़े आलू से कर डाली। सत्यपाल मलिक ने कहा कि हमारे यहाँ का जो अमीर है, मैं उसे इंसान भी नहीं मानता और मैं उसे सड़े हुए आलू के बराबर मानता हूँ। आप यहीं बैठ के बहुत सब लोग भाषण करते हैं कि हम जवानों के लिए ये हैं और जवानों के लिए वो हैं। आपके देश में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 14-14 मंजिल के मकान हैं, एक मंजिल में कुत्ते रहते हैं, एक में ड्राइवर रहते हैं, एक में कोई और रहता है, लेकिन एक पैसा भी चैरिटी नहीं करते हैं हिंदुस्तान की फौज के लिए। हिंदुस्तान के फौजियों की जिस दिन अर्थी आती है, उस दिन सारा जिला जुट जाता है, DM आ जाता है, SSP आ जाता है, MLA आ जाता है, MP आ जाता है। और मैं झुंझुनू जिला है राजस्थान में, मेरी बहुत रिश्तेदारियां हैं, कोई गांव नहीं है वहां का जिसके दरवाजे पे शहीद की मूर्ति नहीं है गांव के रास्ते के बाहर। लेकिन उस दाह संस्कार के बाद उस बेवा और उस बच्चे को पूछने के लिए कोई नहीं जाता है। और ये जो मैं बताए 14 तल्ले के मकान वाले, ये कोई एक पैसे की चैरिटी ना एजुकेशन के लिए करते हैं, ना फौज के लिए करते हैं, ना सिपाहियों के लिए करते हैं, ना नौजवानों के लिए करते हैं। दुनिया के सब बड़े लोग, चाहे वो लॉर्ड गिल्डोफ हों, म्यूजिक के लोग हों, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वाला हो, सब लोग अपनी पूरी आमदनी का बड़ा हिस्सा चैरिटी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो अमीर है, मैं उसको इंसान भी नहीं मानता, मैं उसको सड़े हुए पोटैटो, सड़े हुए आलू की बोरी की जगह मानता हूँ, कि जिसकी जेब से एक पैसा नहीं निकलता। तो मैं जो हमारे फिल्मकार हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि समाज के इस वर्ग के ऊपर थोड़ा हमला करिए, शायद उससे कुछ निकले। मलिक ने कहा कि हर रात उन्हें पाकिजा फिल्म की एक गजल की आखिरी लाइन आज की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे याद आती थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद वहां कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।